जो स्त्रियां अपने पति से छुपा कर ये चार काम करती हैं, वो कभी अपने पति की सगी नहीं होती। ऐसे कर्म वाली महिलाएं हो जाइए सावधान, कहीं आपके पति आपका साथ ना छोड़ दे, क्योंकि स्त्रियों के चार कर्म बता देते हैं स्त्री का त्रिया चरित्र। और वेदों के ज्ञाता प्रकांड पंडित पूज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी कहा है कि जो भी स्त्रियां अपने पति से छुपा कर इन चार कामों को करती हैं, वह स्त्रियां व्याभिचारिणी और दुराचारी स्त्रियां होती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी पत्नी के चरित्र का ये सच, तो भूल कर भी इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दुराचारी स्त्रियों के चार लक्षण। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो धर्म चाहे कोई भी हो, विवाह को सभी धर्मों में पवित्र बंधन माना जाता है, और जब पति और पत्नी का रिश्ता आपस में जुड़ता है तो इनकी किस्मत भी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ जाती है। इसी को लेकर हमारे आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में सबसे जटिल संरचना अगर कोई है तो वह है स्त्री। स्त्रियों को समझना तो खुद ब्रह्मा जी के बस में भी नहीं है, लेकिन स्त्रियों के कई लक्षण ऐसे हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि स्त्री का वास्तविक चरित्र कैसा है और वह सदाचारी है या दुराचारी। तो दोस्तों, आचार्य जी कहते हैं कि पहला लक्षण है कि अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए किसी दूसरे पुरुष से प्रेम की उम्मीद करती है और उसके साथ एक नया रिश्ता बनाती है, तो वह स्त्री व्याभिचारिणी स्त्रियों का पहला लक्षण होती है। वहीं गुरुदेव ने कहा है कि जो स्त्रियां अपने पति से हर बात पर झूठ बोलती हैं और अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को अपने पति से छुपाती हैं, ऐसी औरतें अपने पति को मरवा भी सकती हैं, और ऐसी औरतों के चरित्र भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए इन औरतों को भी दुराचारी महिलाओं की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं जो औरतें अपने पति का नाम लेती हैं और उनसे गाली गलौज से बात करती हैं, उन्हें सम्मान नहीं देती, तो ऐसी औरतों को भी दुराचारी स्त्री माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। और जो औरत अपने पति को छोड़कर चाहे कितने भी दान धर्म कर ले, साधु संतों की सेवा कर ले, लेकिन अपने पति का सम्मान ना करे, तो ऐसी स्त्री को दुराचारी ही कहा जाता है। वहीं दुराचारी स्त्री का चौथा लक्षण गुरुदेव ने बताया है कि जो स्त्री अपने पति के सामने किसी दूसरे पुरुष की बढ़ाई करती है, उसकी तारीफ करती है और दूसरे पुरुषों को दिखाने के लिए साथ सिंगार करती है, अपने पति को नीचा दिखाती है किसी दूसरे पुरुषों के सामने, तो ऐसी स्त्रियां कभी खुश नहीं रह सकती। ऐसी स्त्रियों को भी व्याभिचारिणी स्त्री कहा जाता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति की कभी भी सगी नहीं हो सकती। तो इसीलिए पुरुषों को अपने जीवन में कम से कम एक बार अपनी स्त्रियों की परीक्षा तो जरूर लेनी चाहिए। अगर आपकी पत्नी पति धर्म का पालन करती है, जिस तरह माता लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, उसी तरह अगर आपकी पत्नी भी आपके घर की लक्ष्मी बनकर आपको नारायण की तरह मानती है, तो ऐसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बनाती हैं और ऐसे घर में खुद माता लक्ष्मी नारायण के साथ और धन के देवता कुबेर के साथ प्रवेश करती हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी पत्नी दुराचारी है, व्याभिचारिणी है, तो यह पत्नी आपको कभी भी धोखा दे सकती है और अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर सकती है। ऐसी पत्नियां अपने पति के लिए कलंक होती हैं और खुद ही अपने पति के दुर्भाग्य का कारण बन जाती हैं। तो स्त्रियों से आचार्य जी ने कहा है कि अगर आपके अंदर भी यह लक्षण है तो अभी से सुधारने की प्रयास कीजिए, और पुरुषों से कहा है कि अगर आपकी पत्नी के अंदर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनसे दूरी बना लेने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि आपकी किस्मत आपकी पत्नियों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी स्त्रियां कभी भी नहीं सुधरती और वक्त आने पर आपको धोखा देने से भी नहीं कतराती। तो दोस्तों, यह थे आचार्य जी के द्वारा बताए हुए व्याभिचारिणी स्त्रिया के वो चार लक्षण, जिन्हें पहचान कर हम स्त्रियों की पहेली को काफी हद तक सुलझा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।